हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करेंगे कि आखिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में अपने एसएमएस के ऊपर क्या बड़ा बदलाव किया है, इसके अलावा कितना चार्जेस बढ़ाया है, इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन को कितना चार्जेस देना होगा, जनरल सिटीजन को कितना चार्जेस देना होगा, और क्या आप लोग को हर ट्रांजेक्शन पर एसएमएस चार्जेस देना होगा या फिर कुछ कुछ ट्रांजेक्शन पर एसएमएस चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करने से पहले हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि आखिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हमारा कितना पैसा सिक्योर होता है, यानी कि हमारा जो पैसा होता है, जो अकाउंट्स में हम फंड डिपॉजिट करते हैं, वो किस हद तक सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं, सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर हैं, और DICGC के अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रखा है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है, और ये काफी बड़े लेवल का बैंक है दोस्तों, इतना छोटा भी नहीं है, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच देखने को जरूर मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 में अपना सर्विस चार्जेस लॉन्च किया था एसएमएस अलर्ट का, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि आप लोग को 48 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए ये कहा था कि सीनियर सिटीजन को यहाँ पर 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों वहां पर उन्होंने कैपेसिटी नहीं लगाया था कि इतना हम चार्जेस करेंगे, यानी कि मैक्सिमम इतना चार्जेस करेंगे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर कैपेसिटी लगा दिया है। अब आप लोगों को 48 पैसे पर एसएमएस चार्जेस तो देना होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कैपेसिटी लगा दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 20 रुपए प्लस GST क्वार्टरली, यानी कि पर 3 महीने में चार्जेस देना होगा, और ये जो चार्जेस है वो UPI पर भी काउंट होंगे। इसके अलावा IMPS, RTGS, NEFT, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन आपके खाते से लेन देन होता है और उसका मैसेज आता है, तो उस पर ये चार्जेस काउंट होंगे और ये चार्जेस कटेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए ये चार्जेस फ्री है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 1 भी रुपीज SMS के ऊपर चार्जेस नहीं देना होगा, ये जनरल सिटीजन के लिए ये SMS चार्जेस है। तो दोस्तों, यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का SMS अलर्ट चार्जेस। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।